प्लांट। अब देखो फिर सस्ते में बारिश हो गया। सुबह के 5 बजे में अब दोनों हस्बैंड वाइफ उठ गए हैं, बारिश की आवाज़ हो रही है। हस्बैंड मेरे उठ गए हैं, कितनी एनर्जी है देखो। सुबह 5 बजे भी इनमें और मुझे नींद आ रही है, तो मैं दोबारा से सोने जा रही हूँ। ठीक है, और सुबह अभी 5 बजे बारिश और तूफान आया बहुत तेज, तो मेरी नींद खुल गई। उसके बाद दोबारा 1 घंटा सोई पर इनफ नहीं था, तो डिजीनेस होती ना अलग सा महसूस हो रहा है, मतलब वॉमिटिंग जैसा मन हो रहा है। तो दोस्तों मेरी जो मॉर्निंग की सबसे पहली जो डाइट होती है वो मैं पानी पीती हूँ। ये खा रही है पोटैटो, और ये हमारी जो बेटी है ये देखो कितने सारे आलू काट के ख़राब कर रही है, क्योंकि इसको खाना है चिप्स सुबह सुबह। तो मैंने कहा सुबह सुबह चिप्स नहीं खाते, हेल्दी फूड खा बना देंगे, इवनिंग टाइम में चिप्स बनेंगे, रोज़ रोज़ चिप्स मांगती है। तो ये देखो चैतन्या क्या हो रहा है, ये क्योंकि मैं एक सब्जी बनाना चाहती हूँ, ये कोई वो नहीं है पोटैटो चिप्स। लायर, तो मैं सब्जी बनाऊँ उसकी? हाँ। पक्का ना? पोटैटो चिप्स नहीं बनाऊँ? पक्का सीक्रेटली बनाना? नहीं नहीं, ये क्या हो गया कि वीडियो आते ही सामने आप बोल रहे थे मैंने अभी तो। ये देखो ये देखो ये देखो, इसको चाहिए पोटैटो। चेतन ने इसको पोटैटो दो भाई, थी चिल्ला रही है, देखो ये सिखाएगा पोटैटो। ये इसका मैंने मुंह हाथ धुलाया क्योंकि इसने खाना खाया था, और ये पूरे का पूरा इसके जो कान है ना दोस्तों, तो ये फूड जो बाउल है उसमें घुस जाते हैं हमारी बेला के कान। तो जब ये खाना खा लेती है तो इसको हमें फेस वॉश कराना पड़ता है, ईयर वॉश कराना पड़ता है ना बेला, है ना बेला? ईयर वॉश हो गया आपका? हमने इसको छूने नहीं देना आती है, ये हो गया ना कान। हाँ, इसने यहाँ पे सुसु कर दिया बेला, पर सुसु नहीं किया इसने, फिर पेड़ गिरा दिया पोटैटो का। बेला ये क्या किया? तो इसमें पानी डाला था और बेला ने सारा सोफे पे गिरा दिया, ये देखिए नीचे गिरा दिया। इस लड़की की शैतानियां तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा। पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं, के जो मम्मा ने चिप्स बना दिए, अब इसके अंदर हम टमाटो केचप भर देंगे। मैडम कर रही हैं आराम, ये बेड बेड सब छोड़ के इनको ये प्लेस बड़े अच्छे लगते हैं सोने के लिए। देखो मम्मा का पालू है, मम्मा का बेली रब चाहिए इसको, इसके शुन्ने शुन्ने हाथ हैं, अदेले शुन्ने शुन्ने हाथ, तेते है बड़ी चलाक, तेने मंगे दिया चिकन खाती, तो बस चिकन ना मिलो ये मोगुद। ओ ना 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 ना, इतनी सुंदर स्माइल है, किसने स्माइल देखी है? देखो मेरी बेला की स्माइल, देखो दिखाओ बेला स्माइल दिखाओ। हाँ फिर से दिखा दो, एक बार अपनी स्माइल दिखाओ ना, दिखाओ आ कट्टू करके नहीं, अच्छे से स्माइल ये देखो। सिर्फ उठो फिर सो जाओ, फिर उठ फिर सो जाओ, फिर खाना खाओ, दिन भर यही काम है। परेशान हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ दोस्तों। एक मेरी वाइफ ये वीडियो बनाती रहती है, ब्लॉग बनाने किसने जान खा रखी है, है? एक ये फोन ये खाता ना, ये कभी नहीं लेता था, कभी भी नहीं लेता था। तो अब लॉकडाउन में क्या हो गया कि तुम इसको इतना यूज करने लग गए? ये मेरे सबसे ज्यादा प्रिय टाइम में फोन हो रहा था। अच्छा, बिल्कुल भी इस चीज की आदत नहीं थी, अभी तो खा के मैं कितना मोटा हो गया हूँ, और क्या करूँगा। एक्सरसाइज के लिए सिर्फ ये 2 मिनट है, मेरी ये क्या बोलते हैं बेंच है, ये सिर्फ इनको देख के खुश होता हूँ मैं। तो दोस्तों अगर लॉकडाउन में फालतू खर्चा कर रहा था प्लीज मेरे हस्बैंड से सीखिए। ये देखो ये मेरी बेटी भी अपना फोन लेके आ गई है, देखो देखो ये भी अपने जुगाड़ में आ गई है। फोन मास्टर, और एक मैं फोन मास्टर हो गया, एक हमारी बीबी ब्लॉग बनाने में हो गई, कहती है कि कुछ कुछ करो, अबे जब नहीं आ रहा कुछ कहां से करें भाई। तो भाई व्लॉग तो चलाना है ना, हमारे व्यूअर्स वेट करते हैं, तो कुछ कुछ चूरन डालो, चूरन डालो। व्यूअर देख रहे हैं तेरे, हम भी मान रहे हैं, देख रहे हैं, कहाँ से डाले, क्या क्या दिखाऊं मैं, लेट के दिखाऊं? हाँ दिखा 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 दिखा, क्या है
की हालत हो गई आजकल। ये अच्छे दिन आ गए हमारे घर के, देखो ये दिल्ली वालों के बड़े अच्छे दिन है कि घर में रह के साफ सफाई कर रहे हैं। दोस्तों मैंने एक गिलास पानी नहीं पिया, मगर क्या करूं, साफ सफाई कर। एक घंटा सो के उठ गई हूँ, ये मेरा बच्चा है, अपने बच्चे को तो प्यार ही नहीं करती मैं, मेरा बच्चा मेरे लिए चाय बना के लेके आया। मैं आपको दिखाती हूँ दोस्तों, बढ़िया चाय का कलर है, कितनी बढ़िया चाय, ब्यूटी पॉइंट चाय बनाया है, कैसा प्यार हो रहा है मम्मा के साथ। तो फ्रेंड आज बने हैं राइस और बनी है टेस्टी सी दाल और साथ में है यहाँ पे अंडा भुज्जी और सैलेड। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इनके घर में रोज अंडा क्यों बनता है, तो इसका रीजन यहाँ बैठे हुए हैं। ये मेरे हस्बैंड जो है ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको प्रोटीन की नीड होती है, तो प्रोटीन के लिए डेली हमारे घर में चिकन या एग जरूर बनता है। मेरी बेटी कितनी लंबी हो गई है, ये बिल्कुल लंबी नहीं हुई है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये पापा लॉकडाउन में इतनी मेहनत कर रहे हैं ना कि इनकी कमर जो है वो दुख जा रही है। ऊपर तो देखो पापा, और ये देखो बेटी जो है पापा की कमर दबा रही है, पापा की सेवा कर रही है। देखो मेरा छोटा सा बच्चा बड़ा हो गया है। दोस्तों मेरी बात सुन लो, लेटे लेटे कमर दर्द हो जाती है, तो इसलिए मैं बड़ा करा रहा हूँ। अरे फिर मैं भी स्ट्रेच कर सकती हूँ। आपकी भी कमर दर्द होगी अगर तो अपने चिंटू मिंटू से आप भी दबा। बड़ी बुरी हालत होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर आपकी भी कमर दर्द हो रही है तो बिल्कुल अपने चिंटू मिंटू को लगाएं और अपनी कमर को दबवाएं। देखिए यहाँ यही हो रहा है। तो फ्रेंड आज जो है वो मोस्ट ऑफ द मेरे टाइम जो है वो सोने में निकल गया, तो मैं ज़्यादा कुछ आज शूट नहीं कर पाई हूँ, और थोड़ा सा डीमोटिवेट भी हो गई थी क्योंकि लेटे लेटे बड़ा अजीब सा वॉमिटिंग सा भी हो रहा था, रात भर सोए नहीं थे। तो उसी बीच मेरे को एक व्हाट्सअप आया, किसी हमारे किसी फ्रेंड ने हमें व्हाट्सअप किया, तो उसमें बता रहे थे कि जिस तरह से इधर उधर से ये कोविड के वजह से इतनी नेगेटिव न्यूज़ आती है ना दोस्तों, कि किसी का ये चला गया, किसी के फैमिली मेंबर से कोई ना कोई जा रहा है, सबकी जॉब्स बंद हैं, पैसे की प्रॉब्लम है, कई और प्रॉब्लम्स हैं, लोग घर में कैद हो चुके हैं, सब परेशानी है सब इस बीमारी से। अगर हमारे परिवार में कुछ नहीं है तो सामने पड़ोसी घर में कुछ प्रॉब्लम है, रिश्तेदारों में प्रॉब्लम है, तो फ्रेंड हम भी उससे इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। एक सैडनेस सी आ रही है वातावरण में, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर में लोग एक सैडनेस सी फैलती जा रही है, बिल्कुल रौनक नहीं है, कोई फेस्टिवल का पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो इस बीच में हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, और फिर सब कह रहे हैं कि ये वाली लहर आने वाली है, वो लहर आएगी और बुरा हाल होगा, कोविड में लोग अब बर्बाद से बर्बाद होते जाएंगे, तो सब डीमोटिवेट हो रहे थे। तो उसके बीच में एक कहानी आई दोस्तों, तो मैं सोचती हूँ वो कहानी मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि मुझे बस वो कहानी बहुत ही अच्छी लगी और उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट भी हुई हूँ। तो कहानी इस तरह से है कि एक राजा था, तो उस राजा के पास कई सारे हाथी थे, तो वो लड़ाई में अपने हाथियों को ले जाता था, पर उसमें एक जो हाथी था वो उसका बहुत ही फेवरेट था, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग था, सारी जो लड़ाइयाँ होती थी ना राजा के पुराने ज़माने में जो युद्ध होते थे, सारे युद्ध में वो राजा उसी को लेकर जाते थे और राजा को वो हमेशा जितवाता था। तो राजा को ये था कि जब ये हाथी जाएगा, इतना स्ट्रांग है, इतना कैपेबल है, कि मैं उससे जीतूँगा जीतूँगा। पर धीरे धीरे जब वो बूढ़ा होता गया, धीरे धीरे उसकी कमज़ोर वो लगने लगा, फिर राजा को लगा अब तो ये बूढ़ा हो गया है, अब इसको मैं युद्ध में नहीं भेजूंगा। तो जो भी देखता था, अरे वाह क्या दिन थे इसके, क्या ये मतलब जो भी उस हाथी को देखता, अरे एक टाइम था जब जवानी में इस हाथी के क्या दिन थे, कितना ये शक्तिशाली था, अब तो ये बूढ़ा हो गया है, अब तो कुछ इसकी हिम्मत ही नहीं रही। तो फिर वो हाथी भी उदास रहने लगा, वो भी अपने आप को कमज़ोर समझने लग गया। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो पानी पीने के लिए एक तालाब के किनारे गया, तो तालाब में उसने जैसे पानी पिया तो वहाँ पे दलदल था साइड में, तो उसको देखा नहीं, उसका पैर वहाँ फंस गया। अब हाथी का वज़न तो आप जानते ना कितना ज़्यादा होता है, तो उसका पैर फंसा वहाँ पे, तो उसके बाद वो फंसता गया और फंसता गया, तो वो निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। तो लोगों ने देखा कि अरे ये तो राजा का बहुत ही प्यारा हाथी था, ये इतने दलदल में फंस गया, अब क्या करें। तो फिर किसी ने समझाया कि यार हमें ना दरबार में इसको ज़रूर बताना चाहिए कि भाई साथ जो हाथी है जो राजा का बहुत प्रिय था वो फंस गया है, हम उसको निकाल नहीं पा रहे। तो क्या हुआ कि सारे लोग गए और राजा को बोला, राजा राजा जी ऐसी बात है कि आपका जो प्रिय हाथी था वो वहाँ पे फंस चुका है और बिल्कुल निकल नहीं पा रहा है, वो शायद वहीं मर जाएगा, तो आप एक बार आके उसको देख लें। तो
तो राजा जी दौड़े दौड़े गए कि चलो कुछ नहीं है, मेरा प्रिय हाथी था, मैंने इतने साल उसके साथ निकाले, तो वो उससे मिलने गए। तो वहाँ पर देखा तो वो बेचारा फंसा हुआ बेहाल हालत में दलदल में गिरता जा रहा था, बस मतलब अधमरा तो वो हो ही गया था। तो फिर राजा ने कई कोशिशें करी, कई अपने सैनिकों को बुलाया, बोला इसको खींच के निकालो, इसको उठा के निकालो, पर वो नहीं निकला। तभी वहाँ से महात्मा बुद्ध जा रहे थे, आप सब जानते होंगे महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध जी जा रहे थे। तो राजा जी भाग के गए और बुद्ध जी से बोले कि हे प्रभु हमारी मदद करें, मेरा हाथी वहाँ फंस गया है, अब किस तरह से मैं इसको निकालूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो मर चुका है या जिंदा है ये भी हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब वो हिलडुल नहीं रहा है। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि आप ऐसा करो, आप जाओ और युद्ध के जो नगाड़े होते हैं ना, जो बैंड बाजे होते हैं, वो बजाओ। तो वो जाके वो फिर थोड़ा सा हैरान हुआ कि है ये क्या कह रहे हैं बुद्ध जी कि नगाड़े बजाने से वो हाथी कैसे निकलेगा। तो फिर वो उसने कहा, फिर बुद्ध जी ने कहा आप एक बार जाके करो तो सही ऐसा। तो वो राजा गया और उसने ज़ोर ज़ोर से चारों तरफ नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। वो नगाड़े सुन के वो हाथी को पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर जो एक छुपी हुई ताकत थी ना, क्योंकि हाथी की ताकत जो खुद की ताकत थी वो तो कम नहीं हुई थी, तो उसकी कैपेबिलिटी कम नहीं हुई थी, उसकी एक्सपीरियंस कम नहीं हुआ था। जैसे हम इंसानों का भी होता है ना, हम अंदर से टूटते हैं पर अंदर तो हमारे सब कुछ होता है जो पहले था। तो वो धीरे धीरे उसका जगने लगा और वो उसने थोड़ा सा मूवमेंट करना शुरू किया, वो और तेज, फिर राजा का और तेज बजाते जाओ, फिर वो थोड़ा और हिला, फिर राजा ने कहा और तेज नगाड़े बजाओ। तो ऐसे करते करते हाथी जो है वो दलदल से निकल के बाहर आ गया और राजा बहुत खुश हो गया। तो वो बुद्ध जी के बुद्ध भगवान बुद्ध के पास गए, उनको बोला कि गौतम बुद्ध जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर ये कैसे मैजिक हुआ हमें समझ नहीं आया। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि कोई भी इंसान की काबिलियत या उसकी ताकत कभी भी कम नहीं होती है, जब हम इंसान की कमजोरी वो अपने आप को खुद कमज़ोर समझ लेता है तब जाके उसकी हिम्मत ख़त्म होती है। जैसे कि आपके हाथी के साथ हुआ, उसकी अपने हाथी की ताकत तो कम नहीं होती ना, पर वो क्या था लोगों के कहने पे कि ये बुढ़ा हो गया है, बेकार है, यूज़लेस है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। जिस तरह के आज के हालात हैं ना कि सब बोल रहे हैं कि समय ख़राब होने वाला है, कोविड से सब बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा और बुढ़ा समय आएगा, तो वही हम लोगों को भी यही हो रहा है कि हम इस चीज़ में धंसते जा रहे हैं कि हम सोचते हैं नहीं अब तो कुछ भी नहीं, बस लाइफ ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, जिस तरह उस हाथी ने होप नहीं खोई है, हमें भी होप नहीं खोनी है और ये सब चीज़ें बदलेंगी, सब कुछ पहले जैसा होगा और पहले से भी बहुत अच्छा होगा। ये एक हालात है जिससे हमें लड़ना है और इस हालात में हमें पॉजिटिव रहना है, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। बस इस समय में हमने अपनी ताकत को इकट्ठा करके इस ताकत से, अपनी ताकत से इस सिचुएशन से बाहर निकलना है दोस्तों। तो ये स्टोरी ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि मेरे को लगा कि मैं आपके साथ इसको ज़रूर शेयर करूँ। तो ऐसी मोटिवेशन के साथ जब आप सोएंगे तो सुबह आप एकदम तरोताज़ा होकर उठेंगे और इस पैंडेमिक टाइम में जो हम घर पे हैं, अपनी काबिलियत, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पावर है, जो भी आपका टैलेंट है, उस पर वर्क करें, क्योंकि अगर आप उस पर वर्क करेंगे तो ये बहुत अच्छा टाइम आपको मिला हुआ है अपनी कैपेबिलिटी पर वर्क करने का। जो भी आपको आता है उसको और अच्छे से सीखिए और अच्छे से कीजिए, इससे अच्छा मौका आपको कोई और नहीं मिलेगा अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने का और अपनी काबिलियत को बढ़ाने का। तो इसी बात पे दोस्तों बाय, मैं गुड नाइट कहती हूँ, कल फिर हम मिलते हैं, बाय दोस्तों। मेरी फैमिली भी तो गुड नाइट बोलेगी आपको, गुड नाइट। और मम्मा के जो मम्मा ने अभी जो स्टोरी बताई तो उसके साथ मोटिवेटेड रहना, और आप भी मोटिवेट रहना, ओके। डोंट फील बैड, जल्दी से स्कूल खुलेंगे, आप फिर से जाओगे, फ्रेंड के साथ मस्ती करोगे, है ना? ओके दोस्तों, और आप भी मोटिवेट होके सोना और हमेशा ऐसी कहानियां सुन के मोटिवेट होते रहना। दोस्तों आपको एक छोटी सी बात मैं समझा देता हूँ, ये कोविड टाइम है और ये टाइम दोस्तों आप देखो कि कोई को हम लोग तो लेके नहीं आए और किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा कि हम नौकरी छोड़कर यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, बट अगर आपके पास ये टाइम मिला है तो अपने परिवार के साथ, अपने जितना भी आप उनको खुशियाँ दे सकें उनके साथ, आप उनके साथ खेलें, उनके साथ टाइम वो एक्सपेंड करें, क्योंकि आपको ये टाइम कभी आने उसमें भगवान ना करे ऐसा टाइम आए, मगर जो ये टाइम मिला हुआ है इसका फ़ायदा उठाएं दोस्तों, निराश मत होएं, क्योंकि ड्यूटी जब शुरू होगी तो हर किसी के साथ है दोस्तों, आप ही के साथ नहीं है, तो फिर सब मोटिवेट होते रहें। ओके दोस्तों, गुड नाइट।